अगर इसमें कोई अटकलें डालता है, इसमें भ्रष्टाचार करता है और जनता की बात को नहीं सुनता है, उनको फिर इसी तरीके से उनका फिर सर्वनाश होना चाहिए। और आज जरूरत है जो अनेक पत्र जिसमें बुराइयां हो, उन बुराइयों का नाश होना चाहिए, जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना, बुराइयां का विरोध भी करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी भी जिस आदमी में बुराइयां हों, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आज जो दशहरा में और नौ व्रतों में रहा है, जिन जिन लोगों में बुराइयां हैं उनका विरोध करना चाहिए। और कुछ लोग तो धोबी हैं, भगवान नाम का काम नहीं करते, आदतों पर नहीं चलते हैं, आदतों पर न चल करके झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके जनता को भगने का काम करते हैं, उनको भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनको आप सब लोग और आज जरूरत है जो अनेक पत्र जिसमें बुराइयां हो, उन बुराइयों का नाश होना चाहिए, जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना चाहिए। और जो भगवान के रूप में जो मर्यादा में चल करके सबके कल्याण के लिए जो काम करे, उनकी फिर पूजा करना चाहिए, उन्हीं को गति पर बैठाना चाहिए। और जो जनता के विरुद्ध काम करे उनको हटा करके, और कितनी आज परेशानियां थी घेरी रह जो जनता के सामने, कितनी दिक्कत हैं आज, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और खासकर हम देख रहे हैं कि यहाँ बिजली की बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली की भी बहुत समस्याएं हैं, और अधिकारी जनता को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो ये परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बिना विस्तृत के, बिना परेशानियां के कोई काम हो नहीं है, जबकि सभी काम, समाज का काम और सही काम, जितना भी सही काम है, जो जैसे देश की तरक्की हो, विदेश की तरक्की हो, गांव गली का विकास हो, हमारे जसवंतगढ़ खेत का विकास हो, इस तरीके का सब कुछ होना चाहिए। अगर इसमें कोई अटकलें डालता है, इसमें भ्रष्टाचार करता है और जनता की बात को नहीं सुनता है, उनको फिर इसी तरीके से उनका फिर सर्वनाश होना चाहिए। जो जनता को परेशान करे, जो बुराइयों से न लड़े, बुराइयां का विरोध भी करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी भी जिस आदमी में बुराइयां हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आज जो दशहरा में और नौ व्रतों में रहा है, जिन जिन लोगों में बुराइयां हैं उनका विरोध करना चाहिए। और जो सही चल रहा हो समाज में, सही काम कर रहा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। बताओ, करोगे हाथ उठा करके बताओ, आज जितने लोग दशहरा में नौ रातों में व्रत रहे हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चल करके, भगवान राम के आदर्शों पर। और कुछ लोग तो धोबी हैं, भगवान राम का काम नहीं करते, आदर्शों पर नहीं चलते हैं, आदर्शों पर न चल करके झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके जनता को भगने का काम करते हैं, उनको भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनको आप सब लोग सत्ता से दूर हटाएं और नई शब्दों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।